क्वेश्चन नंबर 47 देखे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है? द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड प्रोसीड्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। क्या कह रहा है बच्चों? मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो ये रिएक्शन जो है वो एक तरीके का कौन सा? एंटी मार्कोनिक। कौन सा रिएक्शन है? एंटी मार्कोनिक। तो अगर हम एंटी मार्कोनिक रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म लिख के दिखाए, तो ये कह रहा प्रोपीन है। तो प्रोपीन का मतलब क्या था बच्चों? ये मान लीजिए हमारा प्रोपीन हो गया, ठीक है। अब अगर आपको याद हो कि परऑक्साइड जो होता है बच्चों, वो इस तरीके से टूट के क्या बनाएगा? पहले एक रेडिकल बनाता है, ठीक है। और ये जो रेडिकल हुआ, वही रेडिकल क्या करता है? एच बी आर के साथ रिएक्ट करके ये फिर से बी आर डॉट बना देगा, ठीक है। ये कैसे टूटता बच्चों? ये रेडिकल जो है वो यहाँ से एच डॉट को एक्सेप्ट करेगा और ये यहाँ से वापस फिर से आर डॉट, ये बी आर डॉट, और ये बन जाएगा। ये जो बी आर डॉट होता बच्चों, ये इतना प्रोसेस चैन इनिशिएशन स्टेप का होता। अब यहाँ के बाद से चैन प्रोपेगेशन स्टेप शुरू होता है। अब यहाँ से बी आर डॉट आता। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझें, किस बी आर डॉट के लिए ये जो पाई बॉन्ड है वो किस तरीके से टूटेगा, और अगर ये टूटेगा तो ये बी आर डॉट कहाँ जाएगा? तो आपको पता है कि अगर एक स्टेप रेडिकल हो गया तो वो सारा स्टेप क्या होगा बच्चों? रेडिकल से ही चलेगा, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से शिफ्ट होंगे। तो एक रेडिकल यहाँ बनेंगे, एक रेडिकल यहाँ बनेंगे, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि ये बी आर डॉट इस रेडिकल पे अटैक करेगा या इस रेडिकल पे अटैक करेगा। तो इसके लिए आपको समझने के लिए क्या सोचना है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे दो तरीके का इसका अटैक दिखा रहे हैं, ठीक है। एक अटैक हम लोग ऐसा बना के देख रहे हैं कि ये जो CH3 है, CH और ये CH2। अब देखिए, एक तरह से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डॉट यहाँ बना हुआ, तो ये इन दोनों में से किसी भी डॉट पे अगर बी आर माइनस जाए, ये बी आर डॉट जाएगा, एक डॉट वापस आपको बचा हुआ रहेगा ही। तब हमको वो देखना होगा कि हम उस डॉट को बचाएं या उस रेडिकल को बचा लेना जो ज्यादा स्टेबल हो। तो सोचिए, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है। अगर आप 1 डिग्री वाले पे इसको अटैक कराते हैं ये डॉट को, तो ये बच जाएगा 2 डिग्री, और अगर आप 2 डिग्री वाले पे अटैक करा देते हैं तो बच जाएगा 1 डिग्री। आप समझे कि 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है? तो 2 डिग्री स्टेबल ज्यादा, इसका मतलब कि ये फाइनली जो होगा अटैक वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि टर्मिनल जो आया था उसके ऊपर बी आर का अटैक हो जाएगा बच्चों, और इसके बाद एक डॉट यहाँ पे आपका रेडिकल बचा हुआ रहेगा, और यही रेडिकल वापस जो फाइनल स्टेप होगा बच्चों, वो वापस फिर से एच बी आर से यहाँ पे एच ले लेता है। हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिक से एडिशन हो गया इसके ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरीके का इंटरमीडिएट जो है, ये देखिए 1 डिग्री, ये तो खैर होगा ही नहीं, यहाँ पे एक बी आर तो होना ही चाहिए किसी न किसी इंटरमीडिएट में। तो एक बी आर यहाँ, एक बी आर यहाँ, हम इसी दोनों प्रोडक्ट की बात करें तो बच्चों एक ऐसा बनेगा और एक जब यहाँ कर दोगे डॉट यहाँ बन जाएगा, वो ये वाला बना रखा है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो मोर स्टेबल तो हमारा ये होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 जो है, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि ये कंपाउंड से, ये कंपाउंड हमें बनाने हैं, इस कंपाउंड से ये कंपाउंड हमें बनाने हैं। कहता है क्या कि इसके कन्वर्जन के लिए हम लोग 3 स्टेप यूज कर रहे हैं। कितने स्टेप में ये हो जा रहा बच्चों? फर्स्ट स्टेप में हो जा रहा। लेकिन आपसे डिसाइड क्या करना सिर्फ पता है? कह रहा कि फर्स्ट स्टेप का रिएजेंट आप डिसाइड करो कि इनमें से कौन अप्रोप्रिएट होगा, बाकी तो आप आगे क्या लेना है वो आगे का रिएक्शन डिसाइड करेगा। लेकिन ऑप्शन जो यहाँ पे है वो सिर्फ और सिर्फ इस रिएजेंट के बारे में दिया हुआ कि आप इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि इसको इजी वे में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों, जब भी आपको कन्वर्जन देखना हो कि हमें एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना हो, कोई भी कंपाउंड हो, तब सबसे पहले ये देखें कि जितना रिएक्टेंट में कार्बन है क्या उतना ही प्रोडक्ट में कार्बन है, या कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा है या घटा है। क्योंकि बच्चों आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म का नॉलेज हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे सारे रिएक्शन होते हैं जिन प्रोसेस में, जिस रिएक्शन के दौरान कुछ कार्बन एटम रिएक्टेंट से निकल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें
डीकार्बोक्सिलेशन का, जहां पे सीओ टू को आप निकाल देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे हम लोग एक्स्ट्रा कार्बन को जोड़ सकते हैं। जैसे आप यूज कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया, तो ये सब कुछ ऐसे कंपाउंड, ये रिएजेंट होते हैं जो रिएक्शन में कार्बन एटम को बढ़ाते हैं और कहीं कहीं से निकालते भी है। तो इसलिए हमको ये आइडिया लेना बहुत जरूरी हो जाता है कन्वर्जन में, कि जब हमारा इनिशियल अमाउंट जो है या इनिशियल स्पेसीज जो है रिएक्टेंट है जो फाइनल कन्वर्ट हुआ, उसमें क्या कार्बन एटम का कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, हमारे पास अभी रिएक्टेंट में 4 कार्बन थे, लेकिन आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो आपको नजर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको यहाँ पे 6 कार्बन आ गए। इसका मतलब कि 2 कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो अगर ये 2 कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं हमें कुछ पहले स्टेप में ऐसे रिएक्शन कराने होंगे, ऐसे रिएक्शन कराने होंगे जिसमें कार्बन एटम का संख्या बढ़े। पहले में कराओ, दूसरे में कराओ, तीसरे में कराओ, कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि पॉसिबल कहाँ पे होगा, क्या पहले स्टेप के बाद दूसरे में स्टेप में हो सकता है पॉसिबल, तीसरे में हो सकता है, चौथे में हो सकता है, और क्या हम पहले स्टेप पे ना करके अगर कार्बन एटम को दूसरे स्टेप में बढ़ाए तो काम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन सारे चीजों को ध्यान रखते हुए आपको रिएजेंट को यूज करना होता। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कहता क्या कि अगर सोचिए कि पहला स्टेप में कोई कार्बन नहीं बढ़ाता, क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर कोई ये रिएजेंट यूज करता फर्स्ट स्टेप में, आपको याद हो ये लिंडलार कैटलिस्ट होता बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रिडक्शन बोलते हैं, और उसमें भी ये पार्शियल रिडक्शन करता, मतलब कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना उसमें से कोई भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चों जुड़ जाएगा सेम साइड से। लेकिन अगर हम बी की बात करें, चलिए अब यहाँ तो ये बन जाएगा। अब सोचिए कि अगर यहाँ आपको बन गया और आपको ये भी दिख रहा कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप जोड़ने हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हाइड्रोक्सिलेशन तो करना ही करना होगा बच्चों। 2 OH जोड़ने का वही तरीका हाइड्रोक्सिलेशन करना होगा। तो समझते हैं हाइड्रोक्सिलेशन तो डबल बॉन्ड पे ही ट्रिपल बॉन्ड पे हो सकता है। तो सोचिए जब हाइड्रोक्सिलेशन आप दूसरे स्टेप में रिएजेंट यूज कर दें, चाहे आप 1% अल्कलाइन कॉल KNO4 यूज करें या OSO4 यूज करें NH CO3 के साथ, तो अगर आप यहाँ कर देंगे ना तो क्या होगा कि पाई बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा आपका, कार्बन भी नहीं जुड़ेगा, यहाँ तक तो आ जाएगा। अब वापस कोई तीसरा स्टेप आपके पास बचेगा ही नहीं इस कंपाउंड में जिससे आप कार्बन को बढ़ा सके। देखिए यहाँ से अगर हम लोग कर लेंगे ये, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। फिर से हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम लोग ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन या एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कर देंगे तो ये वाला भी बन जाएगा, 2H आ जाएगा। लेकिन फिर बाद में कार्बन हम तीसरे स्टेप में किसी भी मेथड से नहीं जोड़ पाएंगे बच्चों, चूंकि अब ऐसा कोई रिएजेंट है ही नहीं जो इस तरीके के रिएक्टेंट के ऊपर कार्बन को ऐड कर सके। इसलिए पहला सही तरीका नहीं हो सकता पहला स्टेप लेने का। फिर अगर आप देखें यहाँ पे C2H2 NaHCO3 और ये, अगर आप यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि C2 पहले में यूज कर ले। हम सोचो ये एसिटिलीन है, ये क्या है बच्चों, एसिटिलीन है। तो एसिटिलीन अगर आप यहाँ ले भी लेते हैं तो यहाँ पे लेने से क्या होगा, एसिटिलीन के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं। बात आता है NaH2O तो बहुत होगा, तो क्या होगा बच्चों, ये इसको एनायन में कन्वर्ट कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन ये दोनों कर जाए, या इसके साथ ये लेंगे तो भी एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो मतलब कहीं भी ऐसा टेंडेंसी नहीं लग रहा कि कार्बन जुड़ सकता है, ठीक है, अब यहाँ पे भी नहीं जुड़ पाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये रिएजेंट भी हमारे लिए सही नहीं है। अब हम लोग थर्ड में आते हैं, तो थर्ड वाले में क्या देख रहे हो बच्चों, इसके ऊपर यूज करना है हमें NaNH2 और अमोनिया। तो आपको पता हो बच्चों कि ये जो दिया हुआ कंपाउंड है ना, इसमें अगर आप गौर से देखें ना, तो ये टर्मिनल एल्काइन है, क्या बच्चों, टर्मिनल एल्काइन। और आपको याद है कि NaNH2 मतलब सोडियम अमाइड लिक्विड अमोनिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों, कंजुगेटिव एलिमिनेशन इवन इसको कराने के लिए यूज करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कर दें, तो एसिड बेस रिएक्शन अगर बच्चों हम लोग करते हैं तो अब आपको क्या नजर आएगा कि इस कार्बन पे निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब इतना के बाद फिर से कर आप HBr यूज करें, आपको पता होगा कि ये जो टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाने का जो एक तरीका होता बच्चों, वो यही तो होता था कि हम लोग क्या करते थे, टर्मिनल एल्काइन का पहले न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं,
टर्मिनल एल्काइन का न्यूक्लियोफाइल बनाने का मेरा मतलब ये हुआ कि उसको हम किसी भी बेस से रिएक्शन कराते हैं और फिर ये न्यूक्लियोफाइल एक स्मॉलेस्ट अल्काइल हैलाइड जिसपे सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है SN2 पाथ से, उस पर हम लोग अटैक करा देते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आप देखें, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन, ये कार्बन हो गया। अब इतना अगर हम यूज कर देते हैं तो ये होगा। अब यहां से हम लोग लेके यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि कार्बन तो ऐड हो गया बच्चों। अब हमें करना क्या, इस ट्रिपल बॉन्ड पे दो रिएक्शन करा देना है। दो रिएक्शन में एक तो देख लिए यहाँ पे हाइड्रेशन हो, ये एडिशन हो रहा है, मतलब रिडक्शन एक तरह से कह सकते हैं, और दूसरा हो रहा ऑक्सीडेशन, मतलब OH वेज हो रहा है। तो हाइड्रेशन ये डबल बॉन्ड बचाना, तो इसके लिए हम लोग कोई भी पार्शियल रिडक्शन वाला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए H2 लिमलार कैटलिस्ट भी आप यूज कर दे PDB सुपर के साथ। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे बच्चों, दो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लगते हैं तो अब देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग गया। अब एक दो तीन चार पांच छह, दो हाइड्रोजन यहाँ पे आप कहीं भी जोड़ दीजिए फिलहाल, तो दो हाइड्रोजन लग गया। अब इसके ऊपर अगर हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन कोई भी करा दे, 1% अल्काइन कोल एमिनोफोर या फिर बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, या फिर OSO4, तो यहाँ पे दो OH लग जाएगा बच्चों। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसका सही सटीक आंसर सी होगा, क्योंकि अगर हम लोग सी को स्टार्ट करें ना यहाँ से ये रिएजेंट से, तो ये सारा प्रोसेस हमें आसानी से होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये कर देंगे तो कंप्लीट रिडक्शन करता, सारे डबल बॉन्ड को ही खत्म कर देगा। तो फिर ये OH और डबल हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा लेकिन OH नहीं आ पाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, या मान लिया और कोई ला सकता है OH लेकिन फिर कार्बन नहीं जुड़ सकता, मान लिया यहाँ पे करा दिया, फिर इसके ऊपर फिर से कोई और सब्स्टिट्यूशन करा के आप फिर इलिमिनेशन करा देंगे तो स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन ये OH आ सकता है लेकिन कार्बन एक्स्ट्रा एड नहीं हो पाएगा। तो सटीक आंसर इसका क्या हो जाता है बच्चों, सी हो जाएगा। तो 48 नंबर सवाल भी एक अच्छा सवाल था, आप शायद इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।